नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात यह है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। वो दिन चले गए, वो दिन चले गए और अब उठ खड़ी हुई है। आपकी मर्जी हमारे जिस्म पे नहीं चलेगी। मैं आऊंगी आपके पास, जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। सुनिएगा सेनेटर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी इंतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आप अब मेरी को, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी, जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियाँ जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती जाए, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। मोहतरमा, मुझे अभी बोलने दें। तीसरी बात, और नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए, इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तकलीकी अपनी सलाहियतों को पुरअम तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई फोहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? अच्छा, ठीक है मालवी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब, काफी वापस आती हूँ। पुलिस ने मेरी बात सुने, हट जाओ। नहीं सेनेटर साहब, बारी से मौका मिलेगा। आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, आपके पास आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर, वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर, और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी, उसमें हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पे कुछ ऐसी नामुनासिब बातें, जिस पर उन लोगों ने भी इतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं, तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दिया कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद में आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की, जब मैं बात कर रहा हूँ लल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस करो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आपको तो मौका दिया नहीं पड़ती। मारवी साहब, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहब, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी साहब, who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी में बात करेंगे। डोंट टॉक इट बिटवीन द लाइंस। डेकोरम का ख्याल रखना। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास हम देखें, बहुत तहजीब से बात करें, अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक। मारवी साहिबा, आप तेरी ऐसी की तैसी। पहले मारवी साहिबा, आप बदतमीजी लग रहा हूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता भी कोई मर्द उसके ऊपर? शक्ल देखो मेरी, जाकर मेरी मर्जी। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बस अब इत्राम कहा, सलाम की और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने, गाली बड़े अभी, और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। जी जी खलील साहब, इनको चुप कराइए, मैं बात करता हूं। मैं बात करने दें इनको, आप अपनी बात पूरी करें, ठीक है, करें आप बात।
میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے. میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دی لاسٹ 72 ایئرز. کاش یہ عورتیں نکلتی, قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی, ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ باہر نکلتی اپنے, دیکھیے تاریخ گواہ ہے, عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی, وہ میدان ہو وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. بوروڈ اکانومی, بوروڈ کلچر, بوروڈ اللہ معاف کرے فیشن, ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ. واٹ از دس عورت مارچ؟ کون باشعور مرد میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق کا علم بردار نہیں ہے. اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان کو ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں, آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ایم ڈیوورسڈ, آئی ایم ہیپی. وہ بھائی خدا کے واسطے, میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں, میں تو موریلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے, اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں, ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے, اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی, ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے, مجھے بات کرنے دیجیے گا, کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے, آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے, سی دا نمبر, سی دا منی ایکسپینڈیڈ آن بائنگ ویمن کلوتھس اینڈ سی دا منی اسپینڈ آن بائنگ مینز کلوتھ, دیر ول بی ہیل آف ڈفرنس. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد آج صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جی جی, میں دیتی ہوں آپ کو. کیا نہیں کرتا جا رہے؟ جی جی, میں دیتی ہوں آپ کو موقع. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے. خلیل صاحب پلیز ابیوزو نہیں ہونا ہم نے, ایک بریک لیتے ہیں واپس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی جو عورت مارچ کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گڑبڑ ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. آبویسلی ہم جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے